और नमस्कार भाइयों, मैं एक वीडियो जो डालना चाहता हूँ कि गर्मियाँ आ गई हैं पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में भी काफ़ी गर्मियाँ हैं और उधर पूर्वोत्तर में भी मौसम ठंडा होता है, थोड़ा सा उत्तराखंड में भी ठंडा होता है, क्योंकि मैं गया था एक बार उत्तराखंड में, तो वहाँ थोड़ा मौसम ठीक ठाक होता है। तो अभी जो गर्मियाँ हैं उसके हिसाब से मैं ये बताऊँगा कि है ना, ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में एक बड़ी अच्छी चीज़ पी जाती है, आम का पन्ना होता है, जो आम को भून करके उसमें नमक मिर्च थोड़ा ऐसा काला नमक वगैरह डाल के, नींबू डाल निचोड़ के उसको पीते हैं, वो बड़ा फायदा करता है गर्मी के मौसम में। ये मैंने खुद ने आजमाया है, खुद ने पिया भी है और मैं जानता हूँ कि हाँ ये फायदा करता है, लू वगैरह से बच के बचा के रखता है, प्याज वगैरह भी खानी चाहिए थोड़ी बहुत, कच्ची प्याज भी खाते हैं तो बहुत लू से फायदा कर। तो भाई सभी लोगों से ये जो है ना, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि पानी पिए, बाकी जो डॉक्टर समय समय पर निर्देश जारी करें उनका भी पालन करें, नज़र बनाए रखें टीवी पे, मीडिया पर, कि भाई क्या गर्मी क्या टेम्परेचर चल रहा है, और अपने आप सिर को बांध के रखें, गर्मी में कम निकलें, धूप में कम निकलें, सुबह शाम निकल जाए, और बहुत ज़रूरी काम है तो थोड़ा हिसाब से पानी पी के चलें, और जो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको ले के चलें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये जो है हीट स्ट्रोक अब चलनी शुरू हो गई है। पहले लेट चलती थी लेकिन इस बार जल्दी चल रही, क्योंकि हमने पेड़ तो लगाया नहीं, पेड़ तो सारे काट दिए, तो उन सब का जो है ना दुष्प्रभाव है ये जो भारत में आज दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं वो पन्ना, मैं उसका एक वीडियो भी डाल दूंगा बना के कैसे बनता है उसको। पहले आम को भूनते थे हम लोग, तो ऐसे ही करते थे उस टाइम, तो आम को भूनते थे, भून करके उसको ऐसे लुगदी उसके निकाल करके उसको पानी में घोल के उसमें मिर्च वगैरह डाल के, थोड़ा नमक डाल के, थोड़ा नींबू डाल के, और बड़ा टेस्टी लगता है, फ़ायदा भी करता है। तो ये चीज़ जो है पिया करें, बाकी और भी कई शरबत आते हैं, अच्छे अच्छे शरबत आ रहे हैं, उनके नाम वगैरह वो लेना तो कंपनी का पर्चा जाएगा, वो तो मैं करता नहीं, तो वो सब भी यूज़ आप लोग करें ताकि स्वास्थ्य भी आप लोगों का बढ़िया रहे। स्वास्थ्य, इसके लिए गर्मियों में स्वास्थ्य का ध्यान रखना हम सबका बहुत ज़रूरी काम है। बाकी आप सबका धन्यवाद भाई, और मेरे चैनल की तो रीच खत्म करेगी शायद, मुझे लगता है पता नहीं क्यों ख़त्म कर दी, बात तो अपने निष्पक्ष होती है, कोई किसी पार्टी को तो हम करते नहीं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं वो निष्पक्ष बातें अच्छी नहीं लगती, तो भाई वो तो करेंगे ही। तो 4 PM की भी अभी अटैक किया था, कौन लोग हैं, क्यों करते हैं काम, और पत्रकारिता पे या निष्पक्ष बात पे क्यों दबाई जाती है, ये सोचने वाले की मतलब इतने डरपोक लोग हैं, ये पता नहीं किस पार्टी के लोग हैं, क्यों किस सत्ता के लोग हैं, किस विचारधारा के लोग हैं, जो निष्पक्ष बातों से डरते हैं। तो ऐसे डरने वाले से कोई घबराने की बात नहीं है, बाकी आप सब लोग अपना अपना ध्यान रखें गर्मियों को, मैं खास करके ध्यान रखें, धन्यवाद।